मेरा सब कुछ तो यहाँ है। पहले मैंने सोचा कि ये इवेंट उन सब लोगों के लिए करूं जो मेरी खुशी में खुश होते हैं, लेकिन फिर दिल ने कहा नहीं नहीं सलार, ये सब कुछ तो सिर्फ उसके लिए होना चाहिए जो तुम्हारी कामयाबी की वजह है। खुश तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन वजह सिर्फ एक ही शख्स बनता है। मेरे लिए वो वजह आप हैं। तुम मुझे यहाँ कोई सरप्राइज देने आए हो? नहीं, आज मैं आपको यहाँ कुछ बताने लाया हूँ। बताओ। पहले आप बताइए। क्या? वही जो आपकी आंखें कह रही हैं, लेकिन लब चुप है। कुछ बातें हैं हमारे दरमियान जो अधूरी रह गई हैं, उन्हीं को मुकम्मल करने आया हूं। पूछो। यही कि आपके दिल में क्या है? ऐसा क्या है जो आज भी आपको इतनी तकलीफ देता है, जो आपको इतना परेशान करता है? वो सब जानना चाहता हूँ। इस वीडियो ने आपको इतना डिस्टर्ब किया कि आज एक बार भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। सलार, ये जो अधूरी मोहब्बत होती है ना, ये इंसान से मोहब्बत करने की सलाहियत छीन लेती है बदले में। उसने मुझे मोहब्बत करना सिखाई थी, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मोहब्बत का जिक्र निकले और वो मेरे जहन में ना आए? और फिर जब तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुम क्या करते? मैं भी तो तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ ना। मोहब्बत कोई रेस थोड़ी है जो पहली दूसरी तीसरी कह के भुला दी जाए। और भुलाना भी क्यों है? सही कहा तुमने, मोहब्बत तो जिंदगी का दूसरा नाम है, जो जिंदगी में रंग बिखेरती है। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी में आके रंग बिखेर दिया। और आपने मेरी जिंदगी में बिल्कुल इस तरह इमान, आपको याद है आपने कितनी बार मुझे आपको तुम कहने को कहा? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कभी कह नहीं पाया। लेकिन आज इस आप और तुम के बीच के फासले को मिटा देना चाहता हूं। इशारों में, लफ्जों में, बातों में कई बार इजहार किया लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं।
जानना चाहती हो? ये वो पहला दिन जिस दिन मैंने तुम्हें अपने लिए चुना था, हमारी पहली मुलाकात। एक अरसे के बाद ये एहसास हुआ कि मेरे सीने में जो दिल है वो धड़कता भी है। ट्रस्ट मी मान, पहली ही नजर में मुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। और ये वो दिन जिस दिन आलम साहब ने मुझे तुम्हारे पास लंच लेने भेजा था। 20 साल में पहली दफा एहसास हुआ प्यार से बने हुए खाने का जो जायका है, वहां की याद आ गई। और उसी दिन से माँ के बाद मेरी जिंदगी की दूसरी अहम इंसान तुम बन गई। ये वो दिन जिस दिन मेरी रूह और जिस्म पे लगे हुए हर जख्म पे तुमने मरहम रख दी, मेरी हर तकलीफ को दवा मिल गई। और ये वो दिन है जिस दिन मैंने खुदा की रहमत को खुद पे उतरते हुए देखा। तुमने मुझसे निकाह की बात की, ऐसा लगा कि खुदा ने मेरी किस्मत का कलम मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा, जा सलार, अपने हिस्से की खुशियां खुद लिखते। बस उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। जिस तरह सांस लेना ना लेना इंसान के बस में नहीं होता, वैसे ही तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करना मेरे बस में नहीं। कि हर आती जाती सांस की तरह तुम मेरे लिए जरूरी हो। मैं जानता हूं तुम्हें सब मालूम है ईमान, लेकिन फिर भी एक दफा खुल के कहना चाहता हूं, आई लव यू ईमान। एंड थैंक यू, तुम ही मेरी कहानी की हीरो हो। देखो देखो ये क्या हुआ सलार, मोहब्बत का जिक्र भी आया और जिसका ख्याल नहीं आया, मार भी नहीं, सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो, सिर्फ तुम ही सुनाई दे रहे हो।
सिर्फ एक बार फिर सुनो, लव यू अमर, खुद से ज्यादा, हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। तुम से भी ज्यादा। कभी सोचते हूँ कि मैंने इसी कौन सी नेकी की थी जो मुझे तुम मिले। इसमें तुम्हारी कोई नेकी नहीं, ये सब मेरी दुआओं और मेहनत का सिला है। अच्छा, तो आपसे तुम का सफर करते ही इतने मकबूल हो गए। बिल्कुल। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, आलम साहब इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर आज बाबा का पहला सेशन है ना, पता नहीं हॉस्पिटल में कितनी देर हो जाए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं खुद आऊंगा, तो चलो उठो, लेट्स गो, देर हो रही है, लेट्स गो। आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था, याद नहीं है, कोई बात करनी थी। डॉक्टर पैम्बा, यकीनन FIR वापस लेने की बात होगी, रात भी आप यही बात कर रही थी। लेकिन अब नहीं, तुम्हें जो ठीक लगता है और तुम्हारी समझ में जो भी आता है तुम वही करो सलार। पता तो चले ना इस घर में शर कौन फैला रहा है। ये आपके चेहरे पे निशान कैसे हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। कुछ नहीं कैसे अम्मी, स्वेलिंग हुई हुई है, आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। सलार, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, गो, जाओ यहाँ से। अम्मी जाओ, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी अबाउट इट, जाओ। वारे तेरे नसीब शैला, जख्म नजर आए भी तो किसको। मैं अभी टीवी पे तुम्हारे इवेंट के क्लिप देख रही थी। तो मेरे इवेंट के क्लिप्स देख रही थी और मैं तुम्हें देखने का इंतजार कर रहा था। अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ, रास्ते में हूँ, तैयार हो जाओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओह सालार, तुम्हारे सरप्राइजेस। अब क्या तुमने गवर्नमेंट से डील करके मुझे मिनिस्टर बनाने का फैसला किया है? वैसे ऑलराउंडर तो तुम हो, तो बनाया तो जा सकता है। अच्छा सालार, किसी की कॉल आ रही है, लेट मी कॉल यू बैक। ओके। हेलो हेलो।